यस सर। स्टूडेंट वाइज ओके हाँ सर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्वेशन का रखा था ना, इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन किया था। इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रायंगल के बारे में, जैसा कि मैंने बताया था ट्रायंगल के बारे में स्टडी करने वाले हैं, राइट है ना। तो ट्रायंगल की बहुत बेसिक सी चीजें हम लोग देखते हैं, बहुत बेसिक सी। जैसे सपोज कर ट्रायंगल, ये मान लो कि ए बी, यहाँ पे साइड ए, यहाँ पे साइड बी, यहाँ पे साइड क्या है, ठीक है ना। ए बी सी साइड है, साइड के लिए ए बी वर्टेक्स है, इनके साइड का जो लेंथ है ए बी, जो ए बी सी डी, ए बी सी ट्रायंगल है, उनके स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या है इसके ट्रायंगल के साइड के नेम, इनके ए बी सी के स्मॉल ट्रायंगल के साइड के क्या है नाम है। अब इनके नाम है तो यहाँ से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे देखेंगे, देखो क्या करेंगे हम लोग, क्या चाहिए यहाँ पे ट्रायंगल के साइड है ना, इस ट्रायंगल के साइड के क्या नाम। तो यहाँ पे हम लोग अगर देख लें दो साइड का सम, अगर दो साइड का सम लें तो थर्ड साइड से ऑलवेज इक्वल होगा, ग्रेटर देन होगा कि नहीं। अगर मैं बोलूँ कि ए प्लस बी, ए प्लस बी जो साइड है, ए प्लस बी साइड का अगर मैं सम लूँ तो थर्ड साइड से ग्रेटर होगी कि नहीं है, तीसरी साइड कौन बची, सी, सी से ग्रेटर आएगा कि नहीं आएगा बताओ। यस सर। आएगा, देखो कैसे। अगर मान लो कि इसका आपके अकॉर्डिंग मैंने मान लिया ये टू है, ए थ्री है, तो सिंपल बार टू प्लस थ्री करेंगे फाइव, ये कुछ भी ले लो। अब आप कहोगे सर मैंने तो फाइव ले लिया, इसलिए आप बोल लो कि नहीं फाइव हो गया, ठीक है। तो देखो ये इक्वल भी हो सकता है, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल होता है, ठीक है ना। ये फाइव ले लिया आपने तो क्या होगा, टू प्लस थ्री होगा, टू प्लस थ्री जो होगा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल। देखो अगर यहाँ पे सिक्स ले लिया आपने, सिक्स ले लिया तो फिर क्या हो जाएगा, जो सिक्स ले लिया तो क्या हो जाएगा, टू प्लस थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी से, सी से क्या होगा ग्रेटर, सी से छोटा हो गया ना, क्या करूँगा फोर ले लिया। तो देखो टू प्लस थ्री ले लिया, सी वैल्यू टू ले लिया, सी वैल्यू थ्री ले लिया, तो क्या करेंगे, टू प्लस थ्री ऐड करेंगे क्या होगा, टू प्लस थ्री ऐड करेंगे कितना फाइव, ये क्या होगा फोर ग्रेटर देन होगा। अब बालोगे आप जैसे अभी मैंने सिक्स लिया था, आप बोलोगे सिक्स होगा, चलो सिक्स हो गया, तो दो साइड का सम क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर होगा। ऑलवेज ग्रेटर का मतलब कि जो साइड का ट्राइंगल का साइड का कंस्ट्रक्शन करोगे उसके अकॉर्डिंग करोगे, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या आती है, जैसे ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, इसी तरह से ये भी तो पॉसिबिलिटी आती है ना, ए प्लस सी जो होगा ग्रेटर देन बी होगा, ये भी तो पॉसिबिलिटी आती है ना कि बी प्लस सी जो होगा ग्रेटर देन ए होगा, बी प्लस ए होगा, तीनों पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, ये तीनों पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या। हेलो वाइस आ रही है आपको, यस सर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बस मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि दो साइड का जो सम होगा ना ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो दो साइड में से तीनों में से कोई पॉसिबिलिटी आ सकती है ना, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी, बी प्लस सी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन ए। यानी कि जब भी हम क्या करेंगे, दो साइड का सम करेंगे तो तीसरी साइड से ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर ही होगा, वो सेम नहीं आ सकते, मतलब कि वो छोटा नहीं आ सकता। अगर यही ए प्लस बी प्लस सी अगर दो साइड का डिफरेंस ले, दो साइड का डिफरेंस है तो ऑलवेज क्या होगा, थर्ड साइड से छोटा है, जो भी थर्ड साइड से आएगा वो डिफरेंस क्या होगा, छोटा आएगा। जैसे ए माइनस बी करें तो क्या आएगा, लेस देन ऑलवेज क्या आएगा, अगर हम लोग करें, अगर हम लोग क्या करें, ए माइनस बी करें तो ऑलवेज कितना हो जाएगा, लेस देन सी होगा, ठीक है ना। अगर ए बी माइनस सी करोगे तो ऑलवेज लेस देन क्या होगा, सी होगा, एंड ए माइनस सी करोगे तो ऑलवेज लेस देन क्या होगा है,
अगर दो साइड का सम करोगे, जो जनरल थिंकिंग है, कुछ नहीं है इसमें, कोई कंसेप्ट भी नहीं है, जनरल थिंकिंग है, जनरल लॉजिकल चीज है, अगर दो साइड का अगर सम करते हैं तो ऑलवेज क्या होता है, थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। अगर दो साइड का हम लोग डिफरेंस लेते हैं तो ऑलवेज क्या होता है, थर्ड साइड से छोटा होता है। समझ में आ गया, वह छोटा सा कंसेप्ट है। इसी में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना समझा गया तो हेलो वाइस आ रहे हैं क्या आप लोगों को? कहीं पे किसी को देखो डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं। अच्छा, सी की वैल्यू 6 ले लिए तो वो तो बड़ा है ना, ए प्लस बी से। हाँ, मैंने वही तो पॉसिबिलिटी 3 लिखा है ना, 6 की वैल्यू हमने क्या लिख लिया, सी की वैल्यू 6 ले लिया, तो इसमें से कौन सा ए प्लस, अगर ए प्लस सी करेंगे तो बी से बड़ा हो जाएगा, अगर बी प्लस सी करेंगे तो ए से बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर पहले ही पॉसिबिलिटी देखे तो, बाकी दोनों को नहीं देखे। पहले पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि तीनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी तो पॉसिबल हो जाएगा, तीनों पॉसिबिलिटी तो एक ही ट्रायंगल में नहीं सेटिस्फाई करेगा ना, क्योंकि ट्रायंगल की साइड तो कुछ भी ले सकते हो ना, तीनों पॉसिबिलिटी तो एक ही ट्रायंगल में तो नहीं सेटिस्फाई कर सकता है ना। सर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है ना? हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही आता है, और अगर कहीं कहीं अलग अलग चीजों में लिखा जाता है कि ट्रायंगल के लिए बोला जा रहा है कि ट्रायंगल है, बट ऐसा मेरे साइड से नहीं मिलेगा आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही मैं ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से ही मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल को फिनिश कर दूंगा, तो ट्रायंगल के नाम से ही है। समझा आपने? और कीजिएगा, और किसी को कुछ डाउट है? अगर देखो, अगर इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा है ना कि इसमें कौन सी कंडीशन देखेंगे, तो अगर ऐसी कंडीशन देखनी है कि हमें कि अगर ऐसा देख रहा हो आप लोग कौन सी कंडीशन देखनी है, तो यहाँ से कुछ भी कंडीशन दे सकते हो, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी, ठीक है? आपको लगता है तो आप स्क्वायर करके देख लो, अगर आपको ना ऐसा लगता है तो आप किसी के ना स्क्वायर करके, यहाँ पे ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगी आप, अगर ए का स्क्वायर करोगे प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो ग्रेटर देन सी का स्क्वायर जाएगा, इसी तरह से ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर करोगे ना तो ग्रेटर देन बी स्क्वायर आएगा, ठीक है? अगर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर करोगे ना तो वो ग्रेटर देन क्या होगा, ए का स्क्वायर आएगा। फिर ये भी कंडीशन फॉलो करेगी, ये भी कंडीशन फॉलो करेगी, तो ध्यान देना यहाँ पे चाहे ए प्लस बी का सम करो, मतलब दो साइड का सम करो, दो साइड का डिफरेंस, तो डिफरेंस ले तो थर्ड साइड से छोटा आएगा, सम ले तो थर्ड साइड से बड़ा आएगा, बस इतना करना, और कुछ नहीं। इसी पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। सब ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा ना? हेलो, हाँ क्या बोल लो? सर ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी लिखा है आपने, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर लिखा है। हाँ, तो स्क्वायर किया मैंने तो स्क्वायर क्या होगा, वो वहां पे इक्वल नहीं आएगा ना, स्क्वायर स्क्वायर जो आएगा वो ग्रेट इससे इक्वल इक्वल नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे मैंने इसको 5 कर लू इक्वल आ जाएगा, लेकिन इनके स्क्वायर का सम कोई 5 इक्वल नहीं है। जैसे क्वेश्चन करें हम लोग, बस इतना ही बस आपको देखना है, ये डिफरेंस इनका है, आप डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस है थर्ड साइड से छोटी आएगी, हाँ डिफरेंस है थर्ड साइड से छोटी आएगी, अगर एडिशन है तो थर्ड साइड से बड़ा आएगा, बस इतना ही देखना, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना। बस
बस दो कंडीशन देखते हो तो आप हो। समझा क्या? यस सर। और किसी को कहीं पे डाउट है बताओ। और किसी को कहीं पे डाउट है? रिप्लाई इतना ज्यादा आता है क्या? नो सर। जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये है, बस इतना समझो आप लॉजिकली देखो कि दो साइड का सम है, थर्ड साइड से बड़ा होगा, बड़ा होगा, अगर डिफरेंस है तो छोटा हो जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं, कोई कंडीशन नहीं याद करना पड़ेगा, ना स्क्वायर याद पड़ेगा, ना स्क्वायर याद करना पड़ेगा, ना कोई चीज याद करना पड़ेगा, बस इतना ही देखना है। इतना याद कर दो डिफरेंस बिटवीन इफ क्वेश्चन इफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल आर 8, 20, 40 देन ऑप्शन है आपके पास 8, 20, 40 बी ऑप्शन है। क्या कंडीशन राइट होगा? हो गया क्या कर लो यहाँ पे? देखो प्लस यहाँ पे या तो प्लस कर लो या तो माइनस कर ले लो, यही बात देखो और कुछ मत करो। देखो क्या करोगे, यहाँ पे तीन साइड है ना, तो बी से मतलब रखो, अदर किसी साइड से मतलब भी मत रखो। क्यों? क्योंकि बी हमें अननोन है और ए और सी वाला क्या है, नोन है, दो साइड नोन है, या तो उनका एडिशन ले लो, सबट्रैक्शन ले लो। अगर इनका एडिशन लेते हो तो क्या आएगा, 14 प्लस
एट लोगे तो इसका मतलब ग्रेटर देन बी आएगा, 14 प्लस 8 करोगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन बी आएगा, राइट है ना। तो 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 22 ग्रेटर देन बी हो, यानी बी ग्रेटर देन 22, सॉरी बी लेस देन 20, ये बी वाला ऑप्शन यही निकल गया। ये 6 कैसे आया होगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया होगा, 14 माइनस 8 होगा तो ग्रेटर देन बी हो जाएगा, 6 ग्रेटर देन बी। इसको कंबाइंड लिखेंगे तो क्या करेंगे, 6 ग्रेटर देन बी, सॉरी ये क्या हुआ, 6 लेस देन बी लेस देन 20, यानी कि जो 6 होगा बी से छोटा होगा, बट जो बी होगा 22 से क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आ गया, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था, इतना समझा गया। So 22 is greater than equal to भी आएगा ना? नहीं, equal to का span दिया हुआ है यहाँ पे option में? नहीं। दोनों में कोई एक sign दिया तो वहाँ से लेंगे ना, consider करेंगे ना। मैंने equal to sign बाद में लगाया ना आप लोगों को, जब वहाँ पे मैंने एक number मार सपोज किया, बोला कि नहीं ऐसा हो सकता है, तो मैंने ऐसा डाला। आप लोग ना ज्यादा कंफ्यूज ना हो, बस आप इतना देखो ना, दो साइड का अगर ना सम करोगे, दो साइड का सम करोगे तो थर्ड साइड से ग्रेटर आएगा, दो साइड का डिफरेंस लोगे तो थर्ड साइड से छोटा आएगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। जितना उतना ही आपको कंफ्यूजन होगा। हो गया, चलो देखते हैं अगर ऐसा होगा ए बी सी, अगर ए बी सी क्या है, ट्रायंगल है, अगर ए बी सी ट्रायंगल है, इसका अगर इसके एंगल मान लो ए है, इसका एंगल बी है, इसका एंगल सी है, इतना तो देखा ही हुआ आप लोगों ने कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये तो देखा ही होगा आप लोगों ने, इतना जानते होगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री, राइट है ना। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मिल गया ना, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल मिल गया, कितना हो गया, ए बी सी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू, अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करें, अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, और जो हम कहते हैं एक्स मान लेते हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, तो मैं ये बोलता हूँ कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, आपका जो एक्सटीरियर एंगल होता है,
सीरियल एंगल जो होता है ना एक्स इज इक्वल टू, वो इंटरनल इनसाइड के जो रिमेनिंग दो एंगल्स है, इनसाइड के रिमेनिंग दो एंगल्स है उन एंगल्स के सम के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस बी के, समझा कैसे होता है। उसके लिए अगर देखना तो देख लो आप लोग कैसे देखोगे। देखो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्या है, किसी एक लाइन पे, किसी एक लाइन पे ऐसे लाइन बनाओ, ये एंगल और एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है क्या, इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है क्या, दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। यहाँ पे क्या होगा, सी प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, राइट है। अब यहाँ पे ये भी जानते हो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अगर यहाँ से एंगल सी निकाले हमारे लोग तो क्या आएगा 180 माइनस क्या मिलेगा एक्स मिलेगा 180 माइनस एक्स। सी की वैल्यू पुट कर दो, ए प्लस बी प्लस सी की जगह पर क्या रख दो 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। देखो 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल हो गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स क्या माइनस है इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस आएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स। ये हो गया एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, समझ में आ गया। यहाँ तक समझ में आया क्या? हाँ सर, हाँ सर, नोट कर लो। हमें अपना मानस ये हो गया नोट डाउन होगा।
हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन लिखो आप लोग। द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज, नहीं उसको छोड़ो छोड़ दिया, मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर, द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ट्राइंगल आर, द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर एक्स डिग्री, एक्स माइनस 20 डिग्री, एक्स माइनस 40 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, पहले इसको करो, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज एक्स डिग्री, एक्स माइनस 20 डिग्री, एक्स माइनस 40 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। सर 80, 60 और 40। हेलो 80, 60, 40। 80, 60, 40। देखो क्या करोगे, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये तो ओवरऑल क्या है, मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल ही है ना, मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एक्स डिग्री प्लस एक्स माइनस 20 डिग्री प्लस क्या हुआ, एक्स माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो क्या हुआ, एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री माइनस 20 डिग्री प्लस एक्स डिग्री माइनस 40 डिग्री 180 डिग्री। देखो क्या, एक्स डिग्री एक्स डिग्री एक्स डिग्री कितना हुआ, 3x डिग्री हो जाएगा। ये माइनस 20 माइनस 40 डिग्री माइनस 60 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा क्या, नहीं क्या मिलेगा, 240 डिग्री डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। x इज इक्वल टू क्या होगा, 240 80 डिग्री आएगा क्या, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 80 आया, एक्स की वैल्यू 80 डिग्री बना, एक्स माइनस 20 डिग्री क्या हो जाएगा, 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस 40 डिग्री कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, समझ में आ गया क्या, ट्राइंगल के एंगल साफ ट्राइंगल आ गया। इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और करो।
हो गया नोट? हेलो सर, एक क्वेश्चन लिखो आपको, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल, द मेजर ऑफ, द मेजर ऑफ वन एंगल सफर, द मेजर ऑफ, मेजर ऑफ वन ऑफ द, हेलो क्या बोलो आप, हेलो क्या हुआ, वॉइस नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, आ रही ना। द मेजर ऑफ, मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ, ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल, इट स्मॉलेस्ट एंगल, इट स्मॉलेस्ट एंगल एंड द मेजर ऑफ द अदर इज, एंड द मेजर ऑफ, एंड द मेजर ऑफ द अदर इज, अदर इज थ्राइस द मेजर ऑफ, थ्राइस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ थ्री एंगल्स, फाइंड द मेजर ऑफ थ्री एंगल्स। क्वेश्चन नोट हो गया सभी का? क्वेश्चन नोट हो गया सभी का? यस सर। तीस साठ नब्बे।
30 60 90 30 60 90 और किसी का आया क्या ये? हाँ सर सेम आया है। यस सर। चलो मेजर ऑफ फोन आपसे एंगल हमें नहीं पता है कि कौन सा एंगल कौन है ना, ये बस इतना बोला कि मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल एंड मेजर ऑफ द अदर इज थ्राइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है ना, इसका मतलब एक स्मॉलेस्ट एंगल है एक मिनट एक मिनट। तो देखो क्या है क्या रही है, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स इज एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। अगर स्मॉलेस्ट एंगल का ट्वाइस है, अगर ये स्मॉलेस्ट एंगल एक्स है तो थर्ड एंगल क्या है टू एक्स है। फिर क्या दिया है एंड द मेजर ऑफ अदर इज मैंने अदर मतलब क्या, एक एंगल मिल गया फर्स्ट मिल गया सेकंड मिल गया अदर कौन सा थर्ड एंगल। थर्ड एंगल क्या हुआ थ्राइस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। ओके थ्राइस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल मतलब क्या हुआ थ्री एक्स हो जाएगा राइट है ना। अब तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा x प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो फाइनल क्या हो गया 2 प्लस 3 कितना 6x हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। x की वैल्यू 30 डिग्री हो गया तो बताओ यहाँ पे ये 30 आ गया, यहाँ पे क्या हो गया 30 इंटू 2 आ गया दैट मीन 60 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ गया 3 इंटू 30 आ गया दैट मीन कितना हो गया 9। ये तीनों एंगल मिल गया, मिल गया तीनों एंगल। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी मैं किसी ट्रायंगल के नाम के बारे में कुछ भी नहीं किया, कौन सा ट्रायंगल है कौन टाइप सा ट्रायंगल है आइसोस्कलीन है स्प्लीन है आइसोस्कलेस है इक्विलैटरल है ऐसा कुछ भी मैं किसी ट्रायंगल का नाम नहीं लिया पर्टिकुलर किसी ट्रायंगल, मैं जैसे जैसे जनरल ट्रायंगल सॉल्व किया बस और कुछ नहीं किया। ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं फिर उसके बाद धीरे धीरे की एरिया है पेरीमीटर है सारी चीजें हम लोग देखेंगे ट्रायंगल के लिए। ठीक है ना, अभी पहले इतना धीरे से आज की क्लास ट्रायंगल के बेसिक पे ही रखो आप लोग, क्योंकि ट्रायंगल से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ट्रायंगल यही नहीं बनता है ट्रायंगल आपका वहां पे भी बन जाता है क्या नाम है कि सम फिगर्स में जाके ट्रायंगल बन जाता है, सर्कल पढ़ोगे उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल इस तरह से जाके बन जाता है तो कहीं पे भी आएगा ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नोट हो गया। यस सर। चलो आपको बताना है एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है,
हो गया। हो गया क्या? किसी का आया? क्या हुआ, किसी का नहीं आया? सर x इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 80, z इज इक्वल टू 40 डिग्री। Yes, चलो देखते हैं। देखो अगर इसको निकालना है, पहले हम लोग क्या करेंगे, जो नोन है जहां से मिल सकता है, जहां पे जाएंगे तो हमें जल्दी आंसर मिल सकता है। देखो क्या कहें, जेड प्लस वन, जेड ये एंगल प्लस एंगल का सम, अभी जस्ट बताया था मैंने इस एंगल का सम, इस एंगल और इस एंगल का सम कितना 180 डिग्री हुआ। जेड प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 140 डिग्री हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई 40 डिग्री, जो कि आया हुआ है यहाँ पे 40 डिग्री, पहला राइट है। सेकंड क्या, वाई की वैल्यू निकालने के, यहाँ पे 100 प्लस वाई हम जानते हैं कितना 180 डिग्री हुआ, तो 100 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 है ना, 100 को हम लोग क्या करेंगे राइट हैंड साइड में डाल देंगे, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितना हो जाएगी 80 डिग्री हो जाएगी। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 डिग्री। अब एक चीज और जानते हैं हम लोग कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी है नहीं आइडिया, y की वैल्यू 80 डिग्री, z की वैल्यू 40 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 प्लस 40 कितना 120 हो जाएगा, तो माइनस 120 डिग्री, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ये तीनों यानी कि देख समझ में आया क्या? समझ में आ गया हो तो नोट कर लो आप लोग। हो गया नोट? नोट हो गया? देखो रिप्लाई तो करना पड़ेगा ना आप लोगों को।
हाँ सर यस सर हाँ सर रिप्लाई करो ये क्वेश्चन लिखो इन ट्रायंगल एबीसी अ पॉइंट डी point D such that angle A is equal to 120 degree, angle DBC is equal to 2 times angle ABD, angle DCB is equal to 2 times angle ACD, find angle BD, find angle BD. A, B, C, D, A1. A question. आया क्या किसी का प्रियंका मीना भूमि आकाश का आया आप लोगों का। देखो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन हो ना ये कितना 120 डिग्री है ना, अगर जब भी इस टाइप से क्वेश्चन हो ना तो देखो एक एंगल तो दिया हुआ है, ट्रायंगल का एक एंगल तो दिया हुआ है, ट्रायंगल का जब एक एंगल गिवन है तो अनदर एंगल ऑटोमेटिक निकल जाएंगे क्या, एक एंगल को कुछ भी सपोज कर लो, जैसे ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं, दो ट्रायंगल का ऐसा तरीका बता रहा हूँ आपको कभी भी कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ना कोई प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा ना कुछ, जो आपको जी में आता है ना जो समझ में आता है वो डाल दो बस, और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो देख करना क्या आपको कि ट्रायंगल के कितने एंगल्स होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं, उसमें से एक एंगल गिवन है, इसको मतलब दो अननोन है, एक एंगल गिवन है तो दो क्या है आपके अननोन है, दो आपको आइडिया नहीं है। अगर दो एंगल्स की आइडिया नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अब यहाँ से ये 120 डिग्री है ना, क्या है 120 डिग्री है, तो एक एंगल कुछ भी आप इसमें कोई एक एंगल सपोज कर लो अपने से, यानी एंगल बी का एंगल सी सपोज कर लो, एंगल बी को सपोज कर लो अपने अकॉर्डिंग जो भी आप सपोज करना चाहते हो। तो चलो मैंने ऐसा करता हूँ ना, मैं इस एंगल को ना 30 डिग्री सपोज कर लेता हूँ, पूरे एंगल को क्या करता हूँ 30 डिग्री, यानी एंगल सी को क्या कर दिया 30 डिग्री सपोज कर दूंगा, ठीक है। अब अगर एंगल सी को हमने 30 डिग्री सपोज कर रखा है, ए 120 डिग्री है, ए 30 है, तो ए भी कितना आएगा 30 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ए भी 30, आप अपने अकॉर्डिंग अभी आप
सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो डीसीबी 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 यानी ये जो एंगल है, ये जो एंगल है टू टाइम एंगल एसीडी एसीडी इस एंगल का टू टाइम्स है, समझा क्या? इस एंगल का ये वाला एंगल क्या टू टाइम्स है, यानी ये अगर एक्स है तो ये कितना होगा टू एक्स होगा क्या? ये अगर एक्स है तो ये कितना होगा टू एक्स होगा ना? यस। इसका मतलब ये पूरा एंगल 30 डिग्री है, हमें एक्स और टू एक्स में डिवाइड करना है। इसको अगर हम लोग 10 डिग्री ले लें और इसको 20 डिग्री ले लें, कोई प्रॉब्लम है क्या? हो गया 30 डिग्री ना, देखो प्रॉपर्टी भी फॉलो हो गई कि ए एंगल 10 है तो ए इसका क्या है डबल है, ये अगर 10 है तो इसका क्या है डबल है, ये मिल भी गया जो प्रॉपर्टी बोल रहा था प्रॉपर्टी भी फॉलो हो गई। और 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30 भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया ये पहला स्टेप, समझ में आ गया फिर क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया आप लोगों को। हाँ तो क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया, देखो ए 20 डिग्री सिमिलर यहाँ पे क्या दिया हुआ डीबीसी डीबीसी जो ए वाला एंगल होगा वो टू टाइम्स एंगल एबीडी, यानी इस एंगल का ये वाला एंगल क्या दो गुना है टू टाइम्स है, इसका मतलब ये 10 होगा ये भी कितना होगा 20 होगा, राइट है क्या? कितना होगा 20 होगा ना, अगर ये 10 होगा तो कितना होगा 20 होगा। तब बताओ किसी अब बीडीसी ट्रायंगल को ले लें, बीडीसी ट्रायंगल को ले लें तो आपको ये वाला एंगल निकालना है, इसको मान लो x, तो क्या करोगे x प्लस 20 प्लस 20 प्लस इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, x की वैल्यू कितना आ गई 140 डिग्री आ गई क्या, x की वैल्यू कितनी आ गई 140 डिग्री आ गई क्या, तो आपको यही कैलकुलेट करना है x की वैल्यू कितना आ गई 140 डिग्री आ गई क्या। अब कितने लोगों नहीं समझ में आ बताओ, मैं एक्सप्लेन कर दूं, नहीं तो आपको लगता है ना कि नहीं कुछ और एंगल सपोज करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आप बोलते हो कि चलो 20 30 50 40 कुछ और सपोज कर लो, हम वो सपोज कर लेते हैं, आप कोई भी एंगल बता सकते हो, ये समझा कि नहीं समझा अभी ये बताओ पहले। हेलो वॉइस आ रही है क्या आप लोगों को? Yes, ये समझा या नहीं समझा? हाँ सर समझा ना, पहले इसको नोट करो फिर मेरे को कोई एक एंगल आप बताओ आप लोग कि सर ये सपोज करेंगे क्या होगा, फिर इसके अकॉर्डिंग देखिए। हुआ क्या नोट? नोट हुआ आप लोगों का? यस सर। आप लोग बताओ यहाँ से अगर हम लोग कुछ और एंगल अगर सपोज करना चाहते हैं ना सपोज कर सकते हैं, चलो इसको रफ कर देता हूँ मैं फिगर है वैसे ही कर देता हूँ, सारा कुछ रफ कर देते हैं हम लोग। बताओ आप कोई एंगल अगर सपोज करना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग कोई एंगल बताओ, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं सपोज कर क्या ऐसा ही आता है क्या, एंगल सेम आएगा 140 ही आएगा, एंगल चेंज आ रहा है इसका मतलब हम ना हम और आप कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक, ठीक है ना? बताओ कोई एंगल आप लोग बताओ इन दोनों में से कोई भी एक बी को या सी को किसी को सपोज कर लो आप अपने अकॉर्डिंग, बताओ किसी को सपोज कर सकते हो तो करके बताओ। बोलो आप लोग हेलो
आप लोग कोई भी एंगल आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, कोई एंगल, एक एंगल कोई नेगेटिव, एंगल भी 40 डिग्री। अगर एंगल बी टोटल हमने क्या लिया 40 डिग्री ले लिया, तो हम क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे, कैसा डीबीसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, डीबीसी यानी ए वाला एंगल जो ना है, ये वाला जो एंगल आएगा इसका ये डबल आएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, तो ये अगर एक्स है ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो इसका मतलब दोनों का सम कितना है 3x इज इक्वल टू क्या है 40 है, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 40/3 आ जाएगा। देखो थोड़ा फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, तो फ्रैक्शनल पार्ट में कैलकुलेशन बनेगा बट आंसर सेम आएगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 40/3 होगा, ये इसका डबल होगा 80/3 होगा, क्लियर हुआ क्या? अगर ये 40/3 हुआ तो ये 80/3 होगा, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू बता दिया आपने, ठीक है ना, तो काफी बड़ा सा जा रहा है। कोई ऐसी वैल्यू अगर दूसरी कोई वैल्यू बता सकते हो तो बताओ आप। 45 डिग्री ले लेंगे, बस इसका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा और बाकी आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, इससे भी आंसर सेम आएगा डिवाइड बाय 3, क्योंकि फ्रैक्शनल में आ गया ना, बस इतना ही डिफरेंस था और कुछ नहीं, ये फ्रैक्शन में आ गया और कोई भी डिफरेंस नहीं है, आंसर सेम आएगा। 45 डिग्री ले लेंगे एंगल बी को, चलेगा? Yes, चलो अगर इसको 45 डिग्री लेते हैं, इसको क्या करते हैं 45 डिग्री लेते हैं, अगर ये 15 डिग्री ले, ये 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा बताओ? ये 30 डिग्री हो गया। अच्छा ये टोटल एंगल कितना 120 डिग्री, ये है 45 डिग्री, तो 120 प्लस 45 प्लस ए एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल सी कितना हो जाएगा 180 माइनस ये 120 प्लस 40 कितना आ जाएगा 165, ये होगा ना 165 डिग्री होगा ना, तो 180 माइनस 65 कितना होता 15 होता है क्या? तो अगर ये टोटल एंगल 15 डिग्री हो गया तो इसका मतलब ये एंगल 5 होगा, तो ये एंगल कितना होगा 10 होगा, ये एंगल 5 होगा तो एंगल कितना होगा 10 होगा, ये होगा ना? Yes, sir. तो हो गया ना, फिर एंगल x निकालना है, ये x मान लो तो क्या हो गया x प्लस 30 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, x की वैल्यू कितना आ गया 180 माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री, समझा गया? समझ गए हो आप लोग? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हुआ क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी पे, सब कुछ करने वाले पे क्या क्वेश्चन और देखें क्या? रफ कर दे, हेलो, हाँ सर, देखो क्वेश्चन अगर ये दिया हुआ, ए बी सी एफ, ए बी सी डी एफ ऐसा दिया हुआ हो, और यहाँ पे दिया हुआ हो क्या 50 डिग्री, ये दिया हुआ 50 डिग्री, यहाँ पे दिया हुआ है क्या ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी इज इक्वल टू ए ई,
ठीक है ना, ये कंडीशन दिया हुआ है, आपको एंगल बताना है सी डी ई। क्वेश्चन समझा क्या आप लोगों ने? देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन दिया है, फिगर दिया हुआ है, एंगल ये दिया हुआ है 50 डिग्री, ये आपका 50 डिग्री है। अगर ये 50 डिग्री है, आपको बताना ए बी इज इक्वल टू ए सी है एंड ए डी इज इक्वल टू ए ई है, आपको बताना एंगल सी डी ई कितना होगा, एंगल सी डी ई कितना होगा, मतलब सी डी ई ए वाला एंगल कितना होगा, आपको ये बताना है। इसको ऐसे सपोज करके ट्राई करो, कितना आंसर आ रहा है, सपोज करना है यहाँ पे भी, अपने कुछ भी एंगल लेके इसको डिफाइन कर सकते हो आप, कोई भी एंगल लेके। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एंगल ले सकते हो। मिला गया आंसर, किसी का आया क्या आंसर? किसी का नहीं? चलो देखते हैं क्वेश्चन को कितना है? हेलो, अच्छा क्वेश्चन ही है, कुछ और बोल रहे थे। चलो देखते हैं, अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको जी करे। तो हमें देखो यहाँ पे एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है, तो हम ए एंगल या ए एंगल सपोज करके कि एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ए बी डी, एक एंगल गिवेन है, दोनों में से कोई एक एंगल सपोज करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो हम इस एंगल को सपोज करते हैं, इस एंगल को सपोज करते हैं, ये एंगल कितना है, कितना लेना चाहते हो आप लोग, इतना तो बता दो। ए एंगल कितना लेना चाहते हो? ना तो बता दो कोई भी। चलो ले लूं मैं अपने से,
चलो मैं एंगल ले लिया 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री हो गया तो 30 प्लस 50 कितना होता है 80, टोटल एंगल होता है 180। तो अगर ये 30 प्लस 50 80 है तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा, ये 100 डिग्री हो जाएगा। कंडीशन दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी जो साइड है ए सी की इक्वल है, तो जो साइड अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो ए साइड और ए साइड दोनों क्या इक्वल है, तो ये साइड का अपोजिट क्या है 30 डिग्री, इस साइड का अपोजिट क्या होगा एंगल, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है क्या, ए बी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। आप देखो ए एंगल 30 डिग्री, ए एंगल 30 डिग्री, पूरा एंगल कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा क्या एंगल ए, एंगल ए पूरा कितना आ जाएगा 120 डिग्री आएगा ना, एंगल ए कितना आ जाएगा 120 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ आप, आ जाएगा। अगर ये पूरा 180 डिग्री है, ये 50 है, तो ए एंगल कितना आ जाएगा 1 डिग्री आ जाएगा, तो अब कंडीशन सेकंड के दिया AD इज इक्वल टू AE, यानी कि A और A वाला साइड दोनों इक्वल है, इसके अपोजिट एंगल है, इसके अपोजिट एंगल दोनों इक्वल है, तो हम इसको मान लेते हैं इसको भी x, इसको भी मान लेते हैं क्या x, तो x plus x यानी 2x plus 70 is equal to what 180 डिग्री, x 2x is equal to क्या आ जाएगा 180 minus 70 डिग्री कितना जाएगा 110 डिग्री, x की वैल्यू कितना आ गई 55 डिग्री आ गई क्या, x की वैल्यू 55 डिग्री आ गई क्या, x की वैल्यू आप लोगों की 55 डिग्री आ गई क्या। Yes, sir. अब गया ये भी 55 डिग्री, ये भी 55 डिग्री, आपको एंगल का पूछा CDE, CDE इसका मतलब ये हो गया 55 डिग्री। तो बताओ अगर ये 55 डिग्री हो गया, ये पूरा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 100 है, ये एंगल कितना होगा 55 डिग्री होगा, आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं सिंपल कि दो यहाँ से दो तरीके से एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं बताता हूँ। ये 100 है तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा बताऊँ, ये 100 है तो पूरा एंगल कितना होगा 80 डिग्री होगा क्या, अगर ये पूरा एंगल है एंगल ए डी सी कितना आ जाएगा 80 डिग्री होगा कि नहीं होगा बताओ, अगर ये 100 है तो ये आ जाएगा 80 डिग्री होगा, अगर ये 80 है पूरा एंगल 80 डिग्री है तो ये 55 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, यानी एंगल क्या है सी डी ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 माइनस 55 डिग्री, 80 माइनस 55 डिग्री कितना होता है 25 डिग्री कितना होगा 25 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या हो गया एंगल आ गया 25 डिग्री, यानी ये एंगल आपको आंसर कितना आ गया 25 डिग्री। आप ये भी कर सकते हो, देखो ये तो यहां से निकाला
आपने दूसरा तरीका भी निकाल सकते हो, दूसरा कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, देखो ये 55 है तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये 55 है तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 125 डिग्री आ जाएगा क्या, ये एंगल 55 है तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 25 डिग्री आ जाएगा ना, ये वाला एंगल, ये भी तो 55 ही है, तो ये 120 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 180 माइनस 55 डिग्री, दैट मीन कितना हो गया 120 डिग्री। जिस एंगल को निकालना चाहते हो आप, इस एंगल को निकालना चाहते हो, ये एंगल आपको पता चल गया, ये एंगल पता चल गया, ये एंगल निकाल सकते हो क्या, एंगल क्या हो जाएगा, यानी 125 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस ये जो एंगल है, एंगल है, एंगल सी डी ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री, तो फाइनल एंगल सी डी ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 प्लस ये कितना हो जाएगा 2155 डिग्री, फाइनल कितना गया 25 डिग्री, इससे भी आ गया, यहां से निकालोगे तो भी आ जाएगा। एक और तरीके से निकाल सकते हैं इसका एंगल, देखो अगर ये एंगल निकालना है, देखो ये अगर एक्सटीरियर एंगल है, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल कंसीडर करो, सी डी ई को, सी डी ई ट्रायंगल को कंसीडर करो, इसमें देखो तो ये वाला 55 वाला एंगल क्या बनेगा, एक्सटीरियर एंगल बनेगा, और जब ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा तो आप जानते हो क्या, एक्सटीरियर एंगल जो आता है वो दो इंटीरियर एंगल का सम आता है, यानी इस एंगल और इस एंगल का क्या आता है, सम आता है, तो इसका मतलब क्या है, एंगल सी डी ई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 डिग्री, एंगल सी डी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट में कितना आ गया 25 डिग्री। आप इन तीनों से कहीं से भी निकालोगे, देखो आपका एंगल क्या आएगा 55 डिग्री ही आएगा। अगर आप कुछ और सपोज करके निकालना चाहते हो तो भी एंगल कितना आ जाएगा 25 डिग्री ही आएगा। आप कैसे जैसे चाहो ऐसे कैलकुलेट कर लो, आपका एंगल तो वही आने वाला है 25 डिग्री आने वाला। समझ में आया क्या? देखो यहाँ से जैसे ये एंगल मिला 55 डिग्री, अब इसके बाद मैंने तीन तरीके लगाया है, एक यहाँ पे निकाला, एक यहाँ से निकाला, एक यहाँ निकाला, तीन तरीके से मैंने निकाला है, कोई भी एक तरीका आप अप्लाई कर सकते हो कि यहाँ से 25 डिग्री फाइंड आउट करने के लिए। समझा क्या? किसी को कहीं पे भी डाउट है, कहीं पे कंफ्यूजन लग रहा है तो पूछ सकता है। नो सर। सर हाँ जी, हाँ ऊपर वाला 120 माइनस 50 वो बताइए ना, 120 कैसे आएगा, ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। तो अगर ट्रायंगल हम लोग ये कंसीडर करें, ए बी सी ट्रायंगल को कंसीडर करें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आप देखो बी और सी कितना 30 है, ए प्लस क्या हो जाएगा 30 प्लस 180 डिग्री, एंगल ए कितना आ गया 120 डिग्री आ जाएगा, आ जाएगा। एंगल ए 120 डिग्री आ जाएगा, बोलो आप क्या दिक्कत है। हाँ सर, हाँ। आपको, हाँ तो समझ में आ रहा है, रिप्लाई करोगे तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। ओके 120 डिग्री हो गया, राइट है ना। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये एंगल प्लस इस एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा ना, सॉरी 120 डिग्री, इस एंगल और इस एंगल का दोनों का सम कितना होगा 120 डिग्री होगा। अगर हमें एंगल निकालना है तो 120 डिग्री में से 50 डिग्री सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा क्या। हाँ सर, तो बस वही किया कि इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम दोनों कितना 120 डिग्री, तो हमें एंगल निकालना है तो 120 माइनस 50 डिग्री कर दिया तो हमारा 70 डिग्री आंसर वहां से। समझा क्या? हाँ सर। कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से निकालने के लिए इस एंगल को। नोट कर लो आप लोग, कुछ और भी एंगल सपोज करके जाओगे तो भी आंसर सेम आएगा।
नोट हो जाए तो बताओ आप लोग। हुआ क्या नोट? हाँ सर चलो एक क्वेश्चन और करो आप लोग, ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर लो। इसको क्वेश्चन का आंसर आपको बताओ। ये आपको गिवन है 80 डिग्री और कंडीशन गिवन है आपको एडी इज इक्वल टू एई, एडी इज इक्वल टू एई, ये कंडीशन दिया हुआ है। एडी इज इक्वल टू एसी जाओ, ए एंगल बाई सेक्टर है, ए एंगल बाई सेक्टर है, ये क्रॉस किया हुआ इसका मतलब एंगल बाई सेक्टर है, ये एंगल है, एंगल दोनों क्या है सेम, एंगल बाई सेक्टर है, बस इतना ही क्वेश्चन है। ये दोनों एंगल बाई सेक्टर है, 80 डिग्री गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है एंगल सी एफ ई, आपको एंगल फाइंड आउट करना है सी एफ ई। इसको देखो आप लोग, आया क्या कीजिएगा?
देखो सपोज कर करते हो तो क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगेगा आपको। हुआ क्या नोट, आया किसी का आंसर? आया किसी का? देखो क्या करेंगे, जैसे ये 80 डिग्री है, एबीसी ट्राइंगल को पहले मैंने क्या बोला था, उस ट्राइंगल को कंसीडर करो जिसमें से एक एंगल दिया हुआ है, दो एंगल आपके बचे हुए हैं, दो एंगल बचे हुए किसके हैं, एबीसी ट्राइंगल में एक एंगल गिवन है, आप कुछ भी मान लो, अगर ये 80 मान लेते हो, इस एंगल को कुछ भी सपोज कर लो, मैं सपोज कर लेता हूँ ना, चलो इसको 10 डिग्री एंड 20, तो इसका मतलब 10 ये होगा 10 ये होगा, राइट है ना, क्योंकि एंगल बाय सेक्टर है ना, ये दोनों एंगल बाय सेक्टर है ना, अगर 20 डिग्री में टोटल एंगल सपोज करूंगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, राइट है क्या? Yes, sir. अगर ये 80 है, ये 10 है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा क्या, ये 80 डिग्री एंगल हो जाएगा क्या, क्लियर? अब देखो यहाँ पे दिया AD इज इक्वल टू AE, यानी ये साइड ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये x होगा तो ये भी x होगा, तो ये क्या होगा, x प्लस x 2x, 2x प्लस 80 इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू कितना है 100 है, x की वैल्यू कितना आ गया 50 डिग्री, यानी ये भी 50 हो गया और ये भी 50 डिग्री हो गई, ये दोनों कितना हो गया 50 डिग्री हो गया क्या, ये दोनों कितना हो गया 50 डिग्री हो गया ना। अब देखो तो अगर ये 80 है ये 50 है, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, बता, ट्रायंगल ADE का, ट्रायंगल ADE का ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। अगर ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों एंगल का सम होगा क्या, एक्सटीरियर एंगल इन दोनों एंगल का सम होता है ना, 80 प्लस 50 डिग्री का सम होगा ना, ये एक्सटीरियर एंगल DEC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री कितना हो जाएगा 130 डिग्री, ये हो गया 130 डिग्री। अब एंगल दिखाई दिया, एंगल ट्रायंगल देख लो CEF में, तो देखो क्या है, C प्लस F प्लस E इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो देखो C एंगल कितना है 10 है, F एंगल आपको निकालना है, E एंगल कितना है 130 डिग्री है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, तब फाइनल एंगल F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 130 प्लस 10 कितना हो जाएगा 140 डिग्री, तो 180 माइनस 140 डिग्री कितना आ जाएगा आपके पास 40 डिग्री आ जाएगा, समझ में आया क्या, ये एंगल कितना आ गया आपको 40 डिग्री, बस यही क्वेश्चन करना, समझा गया आप लोगों ने एकदम, ये आपके कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन है ना, तो ये पेन और पेपर चलाने की जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे विदाउट पेन और पेपर वाले सारे तरीका है कि इस तरीके से आप विदाउट पेन और पेपर के कोई भी एंगल का फाइंड आउट कर सकते,
इसका जहां जहां एंगल आपको कहीं पे भी एंगल बना दिखाई दे रहा है, कुछ भी एंगल कहीं पे भी पूछ दे, इसमें से आप क्वेश्चन बना दो, चलो ये एंगल बता दो, चलो ये एंगल बता दो, कोई भी एंगल आपसे पूछता है तो आप सारे एंगल निकाल के रख सकते हो, सारे एंगल निकाल के बता सकते हो, अगर ये तरीका आपके पास क्लियर है। समझ में आ गया? समझा आप लोगों ने? हेलो हेलो, सो गए आप लोग? जग रहे हो अभी? यस सर। हाँ जग रहे हो ना, समझा ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, कहीं का प्रॉब्लम है तो बताओ, कहीं पे प्रॉब्लम लग रही है बता। नोट कर लो आप लोग, हो गया नोट? नोट हुआ क्या आप लोगों का? सर एक मिनट। हो गया सर। ओके तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके ठीक है, तो ट्रायंगल का ये सब बेसिक था, एंगल्स कैसे निकालना, ये सारी चीजें कैसे निकालना, कुछ आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके ठीक है, बाय सर। ओके थैंक यू क्लास, बाय बाय। मैम शुभम नहीं आ रहा है क्या? शुभम नहीं आ रहा है क्या? कब आता है वो? अभी सेल्फ स्टडी के लिए नहीं आता है क्या? हाँ क्यों? हाँ दिमाग नहीं काम करेगा। मीटिंग इन नहीं किया आपने?